मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस में राज्य की सियासत में भूचाल आना तय है। जैसे जैसे मामले की जांच बढ़ती जाएगी, कई नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आने की आशंका है। गिरफ्त में आई आरोपी महिलाओं के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं नेताओं और अफसरों को फंसाने के लिए कॉल गर्ल्स का इस्तेमाल करती थी। गिरफ्तार महिलाओं के मोबाइल फोन से कई कॉल गर्ल्स, नेता और अफसरों के नंबर और कॉल डिटेल्स मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि हनी ट्रैप में गिरफ्तार महिलाओं के साथ कई कॉल गर्ल्स भी शामिल हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी महिलाएं राजनेताओं और अधिकारियों के पास एनजीओ के काम के बहाने जाती थी और फिर साजिश के तहत अपना काम शुरू करती थी। वो नेताओं और अफसरों को जाल में फंसाकर फिर उन्हें कॉल गर्ल्स का ऑफर देती थी। जो लोग राजी हो जाते थे उनके पास कॉल गर्ल्स पहुंचा देती थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आई ये महिलाएं अपने इसी हथकंडे के जरिए कई नेताओं और अफसरों को फंसा चुकी हैं। पुलिस अब युवतियों के कॉल डिटेल्स और कॉल गर्ल्स के नंबर के आधार पर जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवतियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें करीब 40 कॉल गर्ल्स के मोबाइल फोन नंबर मिले। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि इन कॉल गर्ल्स के अलावा भी क्या दूसरे लोग इस हनी ट्रैप के रैकेट में शामिल थे। आरोपी युवतियों के मोबाइल फोन में कॉल गर्ल्स के नंबर के साथ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं और बड़े कारोबारियों के मोबाइल फोन नंबर भी मिले हैं। इन नंबरों की भी जांच पुलिस कर रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हनी ट्रैप करने वाली युवतियां सबसे पहले उन्होंने छोटे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ धंधा शुरू किया और व्यापारियों को अपना निशाना बनाया था। उसके बाद राजनेताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। जब राजनीतिक दलों में पैठ बन गई तो फिर नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाया। इन्हीं आरोपी युवतियों ने नेताओं के सहारे कई सरकारी प्रोजेक्ट भी लिए और ब्यूरोक्रेट्स में आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे गिरोह के निशाने पर बड़े नौकरशाह और राजनेता आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।